दोस्तों, आप साउथ इंडस्ट्री की काफी अभिनेत्रियों को जानते होंगे जिन्होंने साउथ इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में देकर अपना नाम बना लिया है। और आज साउथ इंडस्ट्री की टॉप अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं, जिन्होंने अपनी फिल्मों से ना सिर्फ अपना नाम बनाया है बल्कि काफी ज्यादा दौलत भी कमाई है। और आज अपनी इसी कमाई से अभिनेत्रियां काफी ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है, जिनकी लाइफ स्टाइल तो काफी लग्जीरियस है ही, साथ ही आज एक करोड़ों रुपए की मालकिन भी बन चुकी है। तो इसलिए आज हम आपको साउथ की कुछ ऐसी ही अभिनेत्रियों से रूबरू कराने वाले हैं जिन्होंने साउथ इंडस्ट्री में ना सिर्फ अपना नाम बनाया है बल्कि आज करोड़ों रुपए की मालकिन बन चुकी हैं। और इसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि साउथ की कौन सी अभिनेत्री हैं प्रॉपर्टी और लाइफस्टाइल के मामले में नंबर वन पर। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर फोर, सई पल्लवी। साउथ इंडस्ट्री में प्रेमम, लव स्टोरी और फिदा जैसी सुपरहिट फिल्में देकर आज अभिनेत्री सई पल्लवी टॉप अभिनेत्रियों में शुमार हो चुकी हैं। बता दें, उन्होंने इतनी फिल्मों में काम करके काफी पैसा कमाया है, जिसके चलते इनकी टोटल नेटवर्थ 29 करोड़ रुपए है। और इस कीमत का एक छोटा सा हिस्सा इन्होंने अपने घर पर लगाया है जो तमिलनाडु में है। ये बेहद खूबसूरत है, जिसकी इंटीरियर डिजाइनिंग भी काफी शानदार करवाई गई है। वही खूबसूरत और आलिशान घर में रहने के साथ साथ ये काफी ब्रांडेड फुटवेयर कलेक्शन रखना भी पसंद करती है और इनकी अदर एसेसरीज पर भी खूब पैसा खर्च किया जाता है। नंबर थ्री, रश्मिका मंदाना। अब इस लिस्ट के तीसरे नंबर पर नाम शुमार है नेशनल क्रश का खिताब अपने नाम करवाने वाली अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का, जो हाल ही में फिल्म पुष्पा में नजर आई थी। बता दें कि आज इनकी टोटल नेटवर्थ 45 करोड़ है और इसी पैसों से इन्होंने मुंबई में 7 करोड़ का एक आलिशान फ्लैट लिया है, जो दिखने में काफी शानदार है और इसकी इंटीरियर डिजाइनिंग बेहद खूबसूरत करवाई गई है। इसी के साथ ये अपने ड्रेस कलेक्शन पर भी खूब पैसा खर्च करती है, जहाँ उनकी एक वेस्टर्न ड्रेस की कीमत 20 से 25 हजार होती है और इनके एक फुटवेयर की कीमत भी 5 से 10 हजार होती है। और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इन्होंने अपने कारों पर भी लगाया है। नंबर टू, काजल अग्रवाल। अब बात करते हैं साउथ इंडस्ट्री में मगध हीरा और सीता जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाली अभिनेत्री काजल अग्रवाल के बारे में, जो अपनी इस काबिलियत से आज 80 करोड़ रुपए की मालकिन बनी है और आज मुंबई में काफी आलिशान घर में रहती हैं, जिस घर में इनकी जरूरत की हर एक लग्जीरियस चीज शामिल है और इनके इस घर में 3 शेड पेंट भी करवाए गए हैं। इसी के साथ काजल अग्रवाल अपनी ड्रेस पर भी काफी पैसा खर्च करती है, जहाँ इनके एक चीज की कीमत 20 से 25 हजार होती है और इसी के साथ वो काफी महंगे परफ्यूम कलेक्शन भी रखती हैं, क्योंकि इन्हें परफ्यूम का बेहद शौक है। बात करें इनकी कार कलेक्शन के बारे में, तो इनके पास मर्सिडीज बेंज, टोयोटा एम ग्लोस्टर जैसी कई महंगी महंगी गाड़ियां हैं। नंबर वन, समांथा रोड प्रभु। पुष्पा फिल्म में ऊ अंतवा मावा आइटम सॉन्ग करने वाली अभिनेत्री समांथा ने आइटम डांस के मामले में बॉलीवुड इंडस्ट्री की अभिनेत्रियों को भी पीछे छोड़ दिया है और आज इतनी मेहनत करके ये 83 करोड़ रुपए की नेटवर्थ रखती हैं और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इन्होंने अपने शानदार घर में लगाया है, जो कि हैदराबाद में है और इनका घर दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है। साथ ही समांथा अपने ड्रेसेस पर भी काफी ज्यादा पैसा खर्च करती है, जहाँ इनकी एक ड्रेस की कीमत 40 से 45 हजार की होती है और ये अपने फुटवेयर कलेक्शन से लेकर महंगा कार कलेक्शन भी रखती हैं, जिसमें BMW, BMW X1, Audi A4 और Fortuner जैसी कारें शामिल हैं। और इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद इन्होंने अपना नाम साउथ की सबसे अमीर अभिनेत्री में शुमार करवा लिया है। यही वजह है कि आज ये प्रॉपर्टी और लाइफस्टाइल के मामले में नंबर वन पर हैं। वेल दोस्तों, आप साउथ की इन अभिनेत्रियों की प्रॉपर्टी और लाइफस्टाइल के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साउथ इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।